पैनिक करके नर्वस करके आप सारी चीजें भी खराब कर लोगे ठीक है तो चलिए प्रॉपर आपको तैयारी यहीं से करनी पड़ेगी अगर आप इस सेशन में ही रेगुलर हो लो ना तो समझ लेना कोई भी चीज ऐसी नहीं रह जाएगी जो आपने ना पढ़ी हो ठीक सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिए सब लोग जस्ट गो ऑन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप बस मैं यहाँ पर शेयर कर दू टेलीग्राम पे कि सेशन लाइव हो चुका है ठीक है बहुत ही फास्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे फास्ट एंड क्विक ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है द फर्स्ट क्वेश्चन इज आप आंसर बताना जरा मुझे शुरू करो सारे के सारे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है प्लीज श्योर दैट साइलेंस इज मेंटेन्ड इन दाइब्रेरी प्लीज श्योर दैट साइलेंस इज मेंटेन्ड इन दी लाइब्रेरी बताओ जरा ये प्रैक्टिस से क्वेश्चन का टाइम भी कम हो जाएगा अशोक डोंट वरी अबाउट इट ये बहुत अच्छी बात है कि आपके धीरे धीरे अब इम्प्रूव हो रहा है पता है इट नीड्स इट टेक्स पेशेंस एंड टाइम तभी मैं कहती हूं कि जब भी एग्जाम हो एक महीने पहले से पढ़ाई मत शुरू किया करो तीन चार महीने कम से कम छह महीने का लेकर चला करो गैप जिससे कि आप खुद को इम्प्रूव कर पाओ एक महीने में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है ठीक है टाइम लगता है और पेशेंस लगता है चलिए बिल्कुल सही है दीनानाथ आप दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं रूल से या तो समझ के जैसे आपको सही लगे तो क्या होना चाहिए प्लीज श्योर दैट हमको बेसिकली यहां पे क्या चाहिए है वर्ब चाहिए है तो या तो हम लिख दें यहां पे इंश्योर या तो हम लिख दें मेक श्योर इसको हम मल्टीपल तरीके से सही कर सकते हैं यार इधर आओ यार या तो हम लिख दें मेक श्योर या तो हम लिख दें इंश्योर इंश्योर लिख सकते हैं मेक श्योर भी लिख सकते हैं ठीक है प्लीज मेक श्योर दैट साइलेंस इज द लाइब्रेरी ठीक बिल्कुल काफी है इंग्लिश के लिए आपकी यूट्यूब क्लासेस काफी है अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो छोड़ छोड़ कर, कर रहे हो तो काफी नहीं है चलिए अगला सवाल क्या कहता है देखिए एक्टिव पैसिव के अच्छे खासे आते हैं ठीक है चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर सी एक्टिव पैसिव नरेशन बहुत आते हैं वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन सब लोग बताइए आंसर OK. Ciao, देखा आपने ये ध्यान से दीज डेज चिल्ड्रेन आर नॉट सीन प्लेइंग इन द पार्क बाय अस हमको इसको एक्टिव में करना है है ये पैसिव वॉइस सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम टेंस की हेल्प लेते हैं ठीक है आर नॉट सीन मतलब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है ढूंढिए जरा सिंपल प्रेजेंट टेंस कहां पर है क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है हां जी होल्ड पे रखिए इसको क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसमें तो आई लगा है नो no. क्या ये सिंपल है या ये सिंपल प्रेजेंट है दोनों में विल लगा है दोनों नहीं है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठीक चलिए अगला सवाल आपके सामने है जरा इसका आंसर बताइए ऑल रेसिडेंट्स एंट्रेंस गेट विल बी क्लोज बाय इलेवन एम बताइए जरा आंसर अभी मित्रों आने दो वो कैबरी भी आ रही है परेशान क्यों होते हो चिंतित ना हो बालक सब आ रहा है वो कैबलरी पैसेज सब आएगा बताइए करेक्शन बताओ लेकिन यहाँ पे अगर हमको लगा कि आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो तब हमको यार हमको खुद लगेगा कि क्या फायदा हुआ सेशन स्टार्ट करने का हा? आपकी हर बात को हम मानते हैं ऑल रेसिडेंट्स आर हेयर बाय इनफॉर्म्ड हेयर बाय इनफॉर्म्ड दैट द एंट्रेंस गेट विल बी क्लोज एट इलेवन पी कोई दिक्कत इसमें रेसिडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है हेयर बाय इन्फॉर्म क्योंकि पैसिव है रेसिडेंट्स ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट पैसिव है इसलिए हेयर बाय इन्फॉर्म आएगा ठीक है चलो देखिए जरा बताइए अभिषेक आपकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही है तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो ठीक है चलिए बताइए करेक्शन बताइए कुछ लग रहा है इसमें करेक्शन द बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल ड्यू टू वायरस अब यहां पर बोर्ड एग्जामिनेशन तो कोई काम कर नहीं रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पर काम हो रहा है इनको कैंसिल किया जा रहा है अब क्योंकि ऑब्जेक्ट है शुरुआत में ऑब्जेक्ट है तो स्टेटमेंट पैसिव में होता है तो हम क्या करेंगे अब यहां हम क्या करेंगे पैसिव वाला स्ट्रक्चर बना देंगे हैव के साथ बीन लगाना पड़ता है पैसिव में हैव बीन कैंसल्ड कोई शक इसमें किसी को चले नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना और बताओ इसमें क्या हो रहा है सब लोग आंसर बताइए चलो बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसका मतलब क्या होता है ब्लेसिंग इन डिस्काइस कोई चीज जो आपने स्टार्टिंग में ना देखी हो स्टार्टिंग में लग रहा हो आपको यार ये क्या है परेशान कर रही हो लेकिन अंत में वो एक खुश मतलब पॉजिटिव चीज निकल कर आए है. है ना इसको बोला जाता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइस जो पहले आपको बेकार लग रही हो बट वो निकल कर आए एक पॉजिटिव चीज बस यही होता है ब्लैसिंग इन डिस्गाइ ठीक है सो माई अंकल स्पेंडिंग क्या हो जाएगा हाँ जी गुड दैट सीम्स बैड इन द बिगिनिंग समझ में आया ठीक है चले आगे अगला सवाल आपके पास आंसर बताइए इसका इम्पीड इज अ टर्म देखो जरा भानु बैक करके फिर से पहले वाले ऑप्शन को पढ़िए आपने शायद ढंग से पढ़ा नहीं फिर से पहले वाले को पढ़ लेना है क्या मतलब होता है इंपीड का इंपीड का मतलब जानबूझ के देरी लगाना है ना जानबूझ के देरी लगाना किसी का रास्ता रोकना जिससे उसको देर हो जाए इसको हम इम्पीड कहते हैं है ना किसी के देर किसी को देर करवाना रास्ता रोकना सॉर्ट ऑफ विदहोल्ड का मतलब भी रोकने से रिलेटेड है प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विक झट से और फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी को किसी काम को करने के लिए मदद करना है ना फैसिलिटेट करना काम उसका आसान बनाना और अपील का मतलब होता है किसी चीज की रिक्वेस्ट या डिमांड करना तो आंसर हो जाएगा फैसिलिटेट ये होता है ना किसी का काम आसान बनाना यहां पे आप किसी को रोक रहे हो यहां पे आप किसी को किसी का काम आसान बना रहे हो सो डेफिनेटली ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना जरा इसका आंसर सब लोग ओके ओके जरा आंसर तो बताइए हमको क्या हो जाएगा इसमें चलो ड्यू टू हेवी रेन द ब्रिज कोलैप्स लीड्स टू अ ह्यूज ट्रैफिक जाम क्या लग रहा है एग्जैक्टली मिस्टर डायग्नोज आपने बहुत अच्छी कोशिश करी है बिल्कुल सही है ड्यू टू हेवी रेन द ब्रिज कोलैप्स ठीक है अब इससे के साथ क्या हुआ ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वैसे डाट भी सही लेकिन उससे ज्यादा बेटर विच है ठीक है क्योंकि ये चीज एडिशनल है विच लीड्स टू विच लीड्स टू हो जाएगा यहाँ पे समझ में आया ठीक चलिए अगला सवाल आपके पास डेली क्लास होती है मेरी तीन बजे बताइए यॉमिनस क्या चीज होती है ओके okay. का मतलब है कुछ लगता है ऐसा लगता है ठीक है ऐसा लगता है सब लोग मुझे बताओ जल्दी जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा ऑस्पिशियस सिनिस्टर ऑप्रेसिव या फिर डेंजरस आंसर क्या हो जाएगा कुछ बुरा होने वाला है ओमिनस कुछ बुरा होने वाला है ये जो फीलिंग होती है ये ओमिनस कहलाती है और आपको इसका एंटोनिम बताना है तो क्या हो जाएगा ऑस्पिशियस ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ कुछ अच्छा होने वाला है ठीक इसका मतलब होता है समथिंग बैड इज टू बी हैपेंड ठीक है तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर वन कोई प्रॉब्लम किसी को ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नीचे के तीनों वर्ड्स नेगेटिव थे बाकी है ना पॉजिटिव सिर्फ एक ही वर्ड था बताइए जरा ये एक्टिव पैसिव और नरेशन ही आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया ना तो आधे से ज्यादा हेल्प तो आपने खुद की कर ली है स्टेनोग्राफर में चलो बताओ जरा ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है पैसिव वॉइस हमको सबसे पहले हम टेंस ढूंढते हैं क्योंकि एक्टिव पैसि में कभी टेंस चेंज नहीं होता है अब गिवन स्टेटमेंट हमारा देखो किसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ढूंढे जरा ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा है ये तो नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट है ये प्रेजेंट परफेक्ट है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है तो सिंपल प्रेजेंट है और ये तो पास्ट परफेक्ट है आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर टू कोई शक बताओ जरा कोई शक परेशानी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार जो लोग बाद में आए हैं सेशन को फटाफट से क्लिक कर दीजिए जल्दी से जाइए और सेशन के लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए अगर आपको सच में सेशन अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि सेशन कंटिन्यू रहे ठीक है चलिए बताइए बताइए जरा अब शी कुड नॉट लिखा है आई कैन नॉट को नरेशन में होता है टेंस चेंज कैन चेंज हो जाता है कुड में तो सबसे पहले देखो कि कुड किसमें किस में लिखा है इसमें कैन 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 नॉट 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 इसमें इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें कुड है मतलब हमने कुछ नहीं किया इतनी ईजिली यहां पर आंसर आ गया ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल आपके सामने डेली प्रैक्टिस ही चल रही है नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा इनकरेज वही तो लिखा हुआ है आंसर बताइए जरा जोरों शोरों से सारे लोग राकेश योर आंसर इज राइट सुरभि योर आंसर इज राइट वेरी गुड अंकित जोकर अंजलि बिल्कुल सही है अब देखो ध्यान से इनकरेज के बाद हमको टू इंफेनेटिव चाहिए जन नहीं लगता इनकरेज के बाद इनकरेज के बाद टू इन्फेनेटिव आई इनकरेज यू टू क्लियर योर एग्जामिनेशन आई इनकरेज यू टू स्कोर गुड इन एग्जामिनेशन तो इनकरेज के बाद टू इंफिनेटिव क्या क्या मतलब क्या क्या फुल जा रहा है यार ये ठीक है आंसर हो जाएगा टू रीड्स इंकरेज टू रीड चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा बताना इसमें क्या लग रहा है आंसर

लेकिन जब क्वेश्चन मार्क है तो इन्वर्जन आना चाहिए इसमें इन्वर्जन नहीं है इन्वर्जन का मतलब पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट तो ये गलत हो गया यू के साथ जब डायरेक्ट है तो वॉजेंट ही क्यों लिखा है डायरेक्ट स्पीच में तो तुम करके बात करेगा ना इंसान इसलिए ये सही ये गलत सॉरी ये गलत ये सही उल्टा कर दिया ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर राइट ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेट्स सी इनिशल दे लिव इन अ रेंटेड अपार्टमेंट इनिशियली बिल्कुल सही है शुरुआती दौर में इनिशियली दे लिव इन अ रेंटेड अपार्टमेंट टिव की नहीं आर्डवर्ब की जरूरत है हमको यहां पर है ना ये क्योंकि वर्ड मोडिफाई लिव्ड को कर रहा है किसको मोडिफाई कर रहा है लिव्ड और लिव क्योंकि वर्ब है तो हमको आर्डवर्ब चाहिए होगा इसलिए यहां पर लगेगा इनिशियली ठीक है इनिशियली दैट्स ट्रू बिलकुल सही चलो नेक्स्ट देखिए आंसर बताइए जल्दी से अब देखना टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है क्या हो जाएगा? इफ आई वॉन्ट टू गेव यू एडवाइस टू के बाद गेव लगा है जो कि बिल्कुल गलत है ठीक? ठीक? चलो, देखिए जरा बताइए इसका आंसर डायरेक्ट फॉर्म मैंने बोला ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आ गया है तो आपने काफी हद तक खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं इंग्लिश के एस एससी स्टेनोग्राफर के लिए बताइए जरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है किस में लिखा है वुड लिखा है अगर इनडायरेक्ट में वुड लिखा है तो मतलब डायरेक्ट में विल होना चाहिए है ना जब डायरेक्ट में विल होता है तभी तो वो वुड में जाता है अब देखो जरा यहाँ पे इज गोइंग गलत वुड गलत ये दोनों विल हैं अब इनको कंपेयर करो द मैटर विल सून बी रिजोल्ड यहाँ पे यू यहाँ पे ही आ गया है इसलिए फोर्थ वाला गलत हो गया है ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर जितने लोगों ने डी दिया है देख लो कितनी बड़ी गलती आप कर रहे हो बड़ी और सिली मिस्टेक कर रहे हो इनफैक्ट ठीक है जब दो सेम टेंस में दिख जाए ना तो दोनों को कंपेयर किया करो वर्ड टू वर्ड चलिए अगला देखो जरा देखो वॉइस किस तरीके से इसकी चेंज होगी सब लोग बताइए देखो जरा क्वेश्चन कह रहा है वर यू एवर टॉट हाउ टू बिहेव क्या तुमको कभी बिहेव करना सिखाया गया है जल्दी से बताइए फटाफट से जल्दी जल्दी ओके okay. चलो देखिएगा वर यू एवर टॉट हाउ टू बिहेव सिंपल पास टेंस अब क्योंकि है 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 तो 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 रहता ढूंढिए वाला हटा दो did anyone ever, did के साथ की first form लगती है. तो teaching गलत taught गलत teach सही ऑप्शन नंबर फोर द राइट आंसर बताइए ठीक कोई डाउट तो नहीं इसमें देखकर आंसर दिया करो इतने सही क्वेश्चन है ना ये बताइए वो सारी वेराइटी जो आपके एग्जाम में आती है तीन बजे वाली क्लास में स्टेनोग्राफर की पूरी हो जाएगी सीपीओ वाले स्टूडेंट्स भी आराम से ले सकते हो तन में प्लीज स्पैम मत करिए हम मजबूर हो जाएंगे ब्लॉक करने के लिए मत करो यार स्पैम चलिए बताइए हम हैं ना लाइक के लिए बोलने के लिए डोंट वरी चलो क्वेश्चन देखिए द स्मॉल गर्ल आई हैव नेवर बीन हियर बिफोर क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट अगर है तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में नरेशन है क्योंकि ठीक है हैव चेंज होगा हैड में इनमें से इसमें हैड है इसमें हैड है इन दोनों को हटा दो अब दोनों को मैच करो द स्मॉल गर्ल सेड दैट यहां पे आई लिखा है अच्छा यहां पे शी ही लिखा है शी हैड नेवर बीन देयर हेयर हमेशा चेंज हो जाता है देयर में जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट होता है ठीक तो क्या हो जाएगा यहां पे ऑप्शन नंबर आंसर अच्छा हेयर वाला गलत हो गया ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू क्योंकि हेयर चेंज हो जाता है देयर में ठीक इजी लग रहे हैं बताओ कि नहीं एक्टिव पैसिव नरेशन अब तक इजी लगना शुरू हुए तो भानु इस बार इंग्लिश में इतनी कर लो मेहनत कि इंग्लिश में आपका नाम मेरिट में आए पूरे पूरे नंबर इंग्लिश में आए यही तो इंसान सीखता है ना पिछली बार इंग्लिश ने आपको क्या किया था पीछे खींचा था इस बार इंग्लिश को ही आप पीछे खींच दो खुद उससे आगे निकल जाओ चलो बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब क्या था जैसे भी ये काम करना है जैसे भी सही सीधी उंगली से नहीं घी निकल रहा उंगली टेढ़ी कर लो ठीक है क्या हो जाएगा बाय एनी मीन्स गुड और बैड जैसे तैसे ठीक चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप बताना दे विल आस्क मी सेवरल आपको इसका पासवर्ड बताना है चलो दे विल आस्क मी सेवरल क्वेश्चन बस देख लो नरेशन है कि वॉइस है इसी से समझ में आ जाएगा टेंस चेंज करना है कि नहीं करना है ठीक चलो पैसिव वॉइस है टेंस चेंज नहीं होगा अब देखो फ्यूचर कहां पर आ रहा है ये दोनों तो प्रेजेंट में है हटा दो आई विल बी विल बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो ये सही ये गलत है ना एक सेकेंड का क्वेश्चन एक्टिव पैसिव को अपनी फिंगर टिप्स पे रखिए अगर स्टेनोग्राफर क्लियर करना है तो चलो बताओ इसका आंसर जल्दी से ये इंपरेटिव सेंटेंस है एक्सेप्शनल केस है ये बताइए देखें जरा लेट सी ओके ओके आंसर बताइए लेट द म्यूजिक बी प्लेड सॉफ्टली इंपरेटिव है इंपरेटिव में इंसान को आप कुछ ऑर्डर दे रहे हो कि म्यूजिक इस तरीके से बजाओ प्ले द म्यूजिक सॉफ्टली क्या हो जाएगा प्ले द म्यूजिक सॉफ्टली ये नॉर्मल आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये बताइए पी क्यू आर एस देखू जरा कौन देगा इसका आंसर कोशिश करिए बताइए पेर किसका बनना चाहिए ए डी का बनना चाहिए एक प्रिंस ने बोला है बाकी लोग भी बताइए अरे डेली होगी टेंशन क्यों ले रहे हो तीन बजे वाली क्लास है ना ए के साथ किसका पेर बनना चाहिए ऑप्शन से पता चला कि पहला ए है ठीक वी यूज टू प्राइड ऑन एयरक्राफ्ट रिकॉग्निशन नॉन ऑफ कुड इवन सीन इट यहां पे इट डिफाइन नहीं है तो बी तो नहीं होगा ये दोनों हट गए यहाँ से अब देखो सी हाउ एवर अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर अभी तो किसी ट्रेनर को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया है ना नाइंग हाइड ओवर हेड यहाँ पर भी क्या लग रहा है अभी अचानक से ट्रेनर आ गए इट वॉज अर इट वॉज अ ट्रेनर किसको ट्रेनर बताया जा रहा है नहीं पता ना इसलिए ए के बाद डी आना चाहिए ऑप्शन नंबर थ्री राइट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और हमें बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर साहिल फुल फुल स्क्रीन कर लिया करिए ऐसे क्वेश्चंस में ठीक है देखो जरा बॉय आस्ट हिज मदर व्हाई शी हैडंट वोक हिम अप शी hadn't लिखा है अब ये तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए या सिंपल पास्ट में होना चाहिए यही दोनों हैं। चलिए देखिए जरा ध्यान से द बॉय आस्ट इज मदर वाई शी हेडेंट लिखा हुआ है शी हेड इंट लिखा हुआ है तो किसमें चेंज हो जाना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट तो है ही नहीं सिंपल पास्ट होना चाहिए वाई यू डिडेंट इन्वर्जन नहीं लगा है इसलिए गलत प्रेजेंट है इसलिए गलत वाई डिडेंट यू वाई डेंट वेक यू आप ये तो ग्रामेटिकली ही रॉन्ग हो गया ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर ठीक चलिए अगला सवाल देखो बताना आंसर इसका देखो पहला स्टेटमेंट ए है फिक्स्ड है अब आपको ए के बाद क्या है सीधे ये ढूंढना है बताओ जरा डाले ही नहीं है अरेन्ज कुस और इतना तो पता चल गया कि सी के बाद बी आएगा क्योंकि यहाँ पे कुकुम्बर पीसेस लगाए जा रहे हैं और कुकुम्बर के ऊपर टमाटो यहाँ लगाए जा रहे हैं तो सीबी का पेयर तो देखो मैंडेटरी है सी बी कहाँ पर है इसमें नहीं है इसमें है सी भी, इसमें है सी बी तो मतलब इन दोनों में से कोई पहला होना चाहिए डी पढ़े स्प्रिंकल सॉल्ट एंड प्लेस है सैंडविच बन रहा है, ये लास्ट स्टेप है तो पता चल गया ए के बाद सी आना चाहिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थ्री सीधा सीधा सैंडविच बनाने का तरीका बताया जा रहा है क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आंसर बताना जल्दी से थॉट थ्ट क्या होता है कब परमिट अबेट या फिर राइट आंसर right जल्दी से बताओ अबेट बोल रहे हैं लोग थ का मतलब होता है किसी को कुछ अचीव करने से रोकना दैट इज थ्टिंग ठीक है किसी को कुछ अचीव करने से अगर आप रोक रहे हो तो ये चीज थ्वाट कहलाती है कब परमिट अबेट या फिर यीड इसका जस्ट उल्टा हो गया अबेट का मतलब होता है किसी को कुछ गलत करने में का प्रोत्साहन देना प्रोत्साहित करना गलत करने के लिए मोटिवेट करना तो ये भी गलत है, yield का मतलब to, uh, say, um, कहते है? कुछ हासिल करना कुछ प्रोड्यूस करना ये भी गलत है कब का मतलब होता है कंट्रोल करना किसी चीज को है ना कम करना कंट्रोल करना द आंसर इज नंबर वन बाकी कोई भी इसका सही आंसर नहीं है कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा है ठीक है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द द हायर यू गो इट इज एक का आंसर है गाइस 200 लाइक्स भी अभी सेशन के ऊपर नहीं है सोच लीजिए नॉट इवन 200 हंड्रेड लाइक्स एंड यू गाइज आर टू समथिंग अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक like भी करते चल सकते हो यार एटलीस्ट मुझे तो मोटिवेशन मिलेगा स्टेनो की क्लास लेने के लिए हाइयर द कूलर क्योंकि मेंटेन रखना है दोनों पैनल होने चाहिए द हाइयर द कूलर दैट्स इट ठीक द हाइयर द कूलर ट्रू चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ये एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आधा पेपर आपका करवा सकता है सोच लेना बहुत क्वेश्चंस आते हैं एक्टिव पैसिव के और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चलिए बताइए सबकी बारी आएगी हर एक टॉपिक में आपका हंड्रेड परसेंट करवा दूंगी यहां पे बस तीन बजे वाले सेशन में हर दिन आना है याद रखना चलो देखो जरा कौन देता है आंसर विल हैव बीन रिपेयर्ड इससे तो पता चल रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है विल हैव बीन लिखा है फ्यूचर परफेक्ट ढूंढिए जरा विल के साथ हैव नहीं लगा है गलत ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस गलत सिंपल पास्ट गलत विल के साथ हैव लगा है ये है फ्यूचर परफेक्ट ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर एक्टिव पैसिव टेंस की हेल्प से हो सकता है और नरेशन भी टेंस की हेल्प से हो सकता है तो अपना टेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप आंसर बताइएगा देखो भाई प्रिया मॉक्स पता है तैयारी के पहले दिन से शुरू कर दिए जाते हैं हेल्प हर मदर सिंपल पास्ट टेंस है और वॉइस चेंज करनी है तो सिंपल पास ढूंढिए कहां इनमें से सिंपल पास्ट सिर्फ एक ही तो है ये प्रेजेंट ये परफेक्ट प्रेजेंट ये पास्ट परफेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर वन ठीक वाई के टू मोटिवेशन सपोर्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए आपको गाइड कर दिया जाएगा कि कहां से खुलेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसका आंसर बताइए इनडायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट करना है जल्दी से बताओ जरा इसका आंसर यू कैन टेक माई प्लेस एंड स्टैंड हेयर इन द क्यू कैन चेंज होता है किसमें कुड में ठीक कैन कुड में चेंज होता है तो इसमें तो यार क्या लिखा हुआ है इसमें भी क्या लिखा हुआ है इसमें भी क्या इसमें कुड है लो निकल गया आंसर एक चीज पकड़ लो उससे आंसर निकाल लो ना निकले तब दूसरी चीज पकड़ो ठीक है मतलब मुझे नहीं पता कि इससे ज्यादा शॉर्टकट और क्या हो सकता है कुछ नहीं पढ़ा हमने हमने देखा इसमें क्या है तो हमने देखा इन तीनों में क्या था इसमें कुर्ता आंसर हो गया ठीक है ना ये जुगाड़ू मेथड अब जो कि बहुत इजीली आपका आंसर ले आएगा अगला क्वेश्चन बताओ जरा डीएम कैसे इंप्रूव करें ईडीएम्स की क्लासेस मेरी आएंगी अभी आपको ट्रिक्स के थ्रू मैं ईडीएम्स करवाऊंगी चलो बताइए मोस्ट painted पेंटिंग्स famous आर्टिस्ट कौन देगा आंसर <sighs> फिर से मतलब प्रेजेंट ढूंढिए क्योंकि voice है voice में tense change नहीं होता इनमें से प्रेजेंट परफेक्ट कहां है ये तो फ्यूचर है ये present perfect, ये present continuous, ये simple present. Answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर ठीक चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितनी फास्ट यहाँ पे हमसे क्वेश्चन हो रहा है मैं बोल रही हूँ ना सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है मैं सब करवाऊंगी क्यों परेशान होते हो यार एक दिन में आप सोचते हो मैं आपको मिक्सी में घोल बना के आपको पिला दू ऐसा थोड़ी ना पढ़ाई होती है यार एक दिन में घोट लोगे क्या सब हाँ नहीं घोट सकते हो टाइम दीजिए डेली तीन बजे आने की आदत डालो सब पढ़ा देंगे हम चलो लोग का मतलब ही होता है घूमना और आपसे सुनाने पूछ रहा है क्या बिल्कुल सही है स्पिन ठीक ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर दोनों का मतलब होता है घूमना फोल्ड का मतलब मुड़ जाना, रैप का मतलब लपेटना और बिल्ड का मतलब कुछ बनाना ठीक चलो इसका आंसर बताइए सी मैं आप लोग को शायद आप लोग मेरा रूल भूल गए हैं मैं फिर से एक बार आप लोग को बता देती हूं क्लास में आंसर्स के अलावा और कोई टेक्स्ट अगर मुझे दो तीन बार से ज़्यादा दिखा तो आई विल हैव टू ब्लॉक दैट पर्सन क्योंकि ये चीज़ स्पैमिंग इतनी इरिटेटिंग हो चुकी है क्लास में कि मैं आंसर देखती हूँ मुझे लाइन से सिर्फ स्पैम नजर आते हैं क्यों करते हो ऐसा हाँ जिस चीज़ का मुझे आंसर देना होगा मैं दे दूंगी आपको इतनी पचास बार एक हज़ार बार पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब जो मेरे अंडर नहीं है जिस चीज़ का आंसर करना वो मैं नहीं कर सकती ना चलिए देखिए मेनी पीपल हैव अ हाई ओपिनियन ऑफ देयर एम एल ए क्या लग जा रहा है यहां पे इंप्रूवमेंट है इसका कुछ हैव हाई ओपिनियन मेनी पीपल हैव अ हाई ओपिनियन ऑफ देयर एम एल ए टू हैव अ हाई ओपिनियन ये फ्रेज होता है इसका मतलब होता है टू कंसिडर समवन गुड टू कंसिडर समवन गुड मतलब किसी को अच्छा समझना इसको कहते हैं टू हैव हाई ओपिनियन अबाउट सम वन कोई गलती नहीं है बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर किसी को अच्छा समझना ठीक इसी को बोलते हैं टू हैव हाई ओपिनियन अबाउट समबडी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा बेंड ओवर बैकवर्ड्स इट्स इसका मतलब आप मुझे बताओगे बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब किसी को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी कर जाना बहुत एफर्ट्स करना बस यही बोला जाता है बेंड ओवर बैकवर्ड्स किसी को सपोर्ट करने के लिए बहुत एफर्ट्स करना प्रैक्टिस yoga, नो no, stamp accommodate एंड प्लीज someone ये लग रहा है आंसर शो समन यूर बैक ना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू ठीक चलिए नेक्स्ट देखो जरा बताइए शो समवन योर बैक देखो कौन देगा आंसर इसका Mother said to her son, "Why are you not doing your homework?" टेंस चेंज होता है नरेशन है क्योंकि ये तो अब क्या हो जाएगा मदर कुछ पूछ रही है बताइए मदर आस्ट हर सन वाई देखो वाई ही वाई वॉज ही नॉट डूइंग इनवर्जन नहीं लगता इनडायरेक्ट में वाई ही वॉज सही है वाई ही डिड नॉट डू हिस्स होमवर्क क्योंकि नॉट डूइंग लिखा है उसको चेंज नहीं करोगे कॉन्टिन्यूस थोड़ी ना चेंज कर दोगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा डिड गाला गलत हो गया इज नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू ठीक है ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए जरा सो डॉन वॉज जस्ट डैश वेन वी स्पॉटेड द शिप क्लोजिंग ब्रेकिंग अराइविंग या फिर कमिंग जल्दी से फटाफट सेन गाइज जस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन आज वेल अपनी प्रेजेंस को माफ करने के लिए सेशन के लाइक like बटन को क्लिक कर दीजिएगा ठीक चलो डॉन वॉज जस्ट क्लोजिंग अराइविंग बिल्कुल गलत आंसर है इट्स अ फ्रेज। इट्स अ फ्रेज ब्रेकिंग ऑफ डॉन ब्रेकिंग ऑफ डे मतलब दिन की भोर की शुरुआत ब्रेकिंग ऑफ डॉन या ब्रेकिंग ऑफ डे होता है आज से दिमाग में बैठा लो ऑप्शन नंबर टू ठीक ब्रेकिंग ऑफ डॉन या ब्रेकिंग ऑफ डे चलिए नेक्स्ट देखो जरा बताइए इसका आंसर हम सबके आंसर देख रहे हैं चलो डायरेक्ट फॉर्म बताना है चलो देखो जरा दे हिज आइडेंटिटी अब या तो ये सिंपल पास्ट में चेंज होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होगा ठीक है विल तो होगा नहीं आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल We have to establish his identity. Tick. We have to establish your identity. I have to establish your identity. क्या होना चाहिए? They had to. They had to की जगह क्या हो जाएगा? I have to. क्योंकि direct में जा रहा है. I have to. या फिर we have to. क्या होना चाहिए? क्योंकि police man है तो वो I बोलेगा, है ना? लेकिन दे लिखा हुआ है यार तो वी हैव टू होना चाहिए आई हैव टू नहीं होगा वी हैव टू स्टैब्लिश ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर योर आइडेंटिटी ऑप्शन नंबर थ्री ठीक कोई शक वी हैव टू और उसके साथ में योर आइडेंटिटी सबसे पहले हमको तुम्हारी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करनी है क्लियर चलिए नेक्स्ट देखो जरा कोई गलती है इसमें चलिए जल्दी से बताइए क्या बात है वेरी गुड पता है आप लोग को बिल्कुल अच्छे से कि सो और दाट का पेयर बनता है वेरी गुड सो आर सोल्जर्स fought सो so fiercely सो so दाट का पेयर बनता है ना तो so सो so Fiercely that the enemy had to escape. इतनी violently लड़े हमारे soldiers की दुश्मनों को भागना पड़ा चलो बताइए लिखा है पॉइंट्स तो यहां पे क्या है यार पॉइंट्स यहां पर नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के साथ क्या लगाओगे नॉन लिविंग के साथ आप क्या लगाओगे हां जी विच वर्ड डिस्कस्ड ऑप्शन नंबर वन विच वर डिस्कस्ड, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है अब बुक इज बींग रिटन बाय हिम अक इज बींग रिटन बाय हिम जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसमें देखिए जरा न्यू बुक इज बींग रिटर्न प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है इनमें से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सिर्फ इसी में तो है सो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ठीक चलिए अगला सवाल आपके पास चलो टाइमली करा देंगे पनवेल निकल जाओगे आप इजिली डोंट वरी आंसर बताइए ही कैन अफोर्ड न्यू कार नाउ ही कैन अफोर्ड न्यू कार कार नाउ जल्दी से देखो जरा यहां पे भी वॉइस चेंज करनी है ना तो टेंस टेंस नहीं बदलना चाहिए कैन अफोर्ड टेंस नहीं नहीं बदलते नहीं बदलते कैन कैन ही रहेगा ऑप्शन नंबर आंसर सिर्फ पहले वाले में तो कैन है मुझे बताइए क्या आप लोग को वॉइस और नरेशन एकदम चुटकियों का खेल नहीं लग रहा मेरे साथ करके हाँ नहीं लग रहा कि चुटकियों में हो जाएंगे क्वेश्चन ये चलिए देखो जरा इसका आंसर हम दो मिनट का ब्रेक लेते भी हैं तो फिर आपको झट झट करा भी तो देते हैं एक मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन चलो चलिए प्लेयर्स वॉज डिस प्लेयर्स प्लूरल है वर्ड डिसअपॉइंटेड होगा ना होगा ना ऑप्शन नंबर टू ठीक डिसमेंट तो नहीं लग रहा है ये है इसको मत बता देना कि चलिए अगला सवाल है आपके पास explicit, ambiguous, vague, confused या क्लियो? एक सेकेंड का आंसर है क्या हो जाएगा गाइज वी हैीच थ्री हंड्रेड लाइक्स ऑन दिस सेशन तो इसलिए सेशन को सब लोग लाइक कर दो थ्री हंड्रेड लाइक्स पहुंच पाएंगे कि नहीं चलिए बताइए वर्ड आपको पता हो तो भी सही है मीनिंग नहीं पता है तो भी सही है क्योंकि एम्बिग्यूस वेग और कंफ्यूज ये तीनों का मतलब सेम है ऑलमोस्ट ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और गिवन वर्ड के एंटोनिम है ठीक है इसके आंटेम एक्सप्लिसिट का मतलब होता है टू स्टेट समथिंग क्लियरली बिल्कुल साफ साफ कोई चीज बोल देना ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर दैट इज क्लियर ठीक ऑप्शन नंबर फोर द राइट आंसर चलिए अगला सवाल ये रहा बताइए सब लोग जल्दी जल्दी से कम एवरी वन देखो जरा कौन देता है इस खांस जल्दी से बताओ राइट ऑन टू ओ क्लॉक एट संडे मैं दो बजे तक वापस आ जाऊंगा क्या ये सेंस नहीं लग रहा आपको कि मैं संडे को दो बजे तक वापस आ जाऊंगा या फिर दो बजे आऊंगा कहना क्या चाह रहा है आई शाल बी बैक एट टू ओ क्लॉक और संडे के लिए ऑन लगेगा ठीक है तो टाइम के लिए आठ लगेगा संडे के लिए ऑन लगेगा कहां पर है एट और ऑन ऑप्शन नंबर फोर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बताओ मेरी ट्रीशियस मेरी ट्रीशियस का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली exactly. जब एग्जैक्ट टाइम दिया होता है तो आठ आएगा हम्म मेरी ट्रीशियस मेरिट्रीशियस बेसिकली गाइस कोई ऐसी चीज जो देखने में अट्रैक्टिव बहुत है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है ऐसी चीज मेरिट्रीशियस होती है ठीक है अ ब्यूटिफुल फेस विदाउट एनी नॉलेज और विदाउट एनी काइंडस इज मेरिट्रीशियस अ ब्यूटिफुल फेस विदाउट एनी नॉलेज और विदाउट एनी काइंडस इज नथिंग बट मेरिट्रीशियस टेस्टलेसली showy बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर वन टेस्टलेसली showy है खूबसूरत लेकिन कोई वैल्यू नहीं है ठीक चलिए ऑप्शन नंबर वन अगला देखिएगा रिकवर्ड बिल्कुल सही है बिकॉज हैव इज फॉलोड बाई द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैव हमेशा थर्ड फॉर्म से फॉलो करता है हैव प्लस थ्री राइट ठीक सो द पेशेंट विल हैव रिकवर्ड पेशेंट विल हैव रिकवर्ड ठीक ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर क्लियर चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखिए आंसर बताइए इस क्वेश्चन का मुझे जल्दी जल्दी से एन एंट्रीज और रिवाइवल आफ्टर अ पीरियड ऑफ लिटिल एक्टिविटी पॉपुलरिटी और अक्यूरेंस हा चलिए देखें रीसजेंस आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही किसी चीज की मैं बढ़ोतरी हो जाना है ना बहुत दिनों की एक्टिविटी के बाद इंक्रीज और रिवाइवल आफ्टर पीरियड ऑफ लिटिल एक्टिविटी और बहुत दिनों से पैसिव पड़े अचानक से बढ़ गया इसको हम रीसजेंस बोलते हैं सब इमरजेंस का मतलब डूब जाना कॉन्वरजेंस का मतलब आपस में मिलना या इकट्ठा होना नॉट इज कॉन्वरजेंस एमरजेंस का मतलब होता है क्या क्या होता है इमरजेंस का मतलब अर्जेंसी को भी तो इमरजेंस बोलते हैं और बहुत टाइम से छुपे होने के बाद जो चीज सामने आती है तो वो भी इमर्ज करती है इमरजेंस कहलाती है ठीक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप आंसर बताइए विल के बाद दीनानाथ हमेशा हैव लगता है विल के साथ आप कभी हैज नहीं लगा सकते हो दैट्स द रूल ठीक है विल जहां पर भी है उसके बाद हैव ही लगेगा शिप्स आर डैश बाय giant इंजन कुछ कह रहे हैं पुल्ड कुछ कह रहे हैं सेल्ड सेल्ड शिप को सेलर करवाता है, है ना सेलर का, का काम होता है एस ए आई एल ओ आर इसका काम होता है ये इंसान होता है इसका काम होता है शिप को सेल करवाना अब बताइए तो सेल तो सेल्ड नहीं होगा ड्रैग और पुल का मतलब होता है खींचना ठीक ड्रिवन, चलाना किसी को गाड़ी को शिप को किसी भी चीज को चलाना इज ड्रिवन। दैट इज वाई ड्रिवन इज द राइट आंसर ठीक है तो इतनी बड़ी सी शिप ज्वाइंट इंजन चलाते हैं शिप को शिप्स आर driven by giant इंजन ठीक है ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर चलिए इट। अगला क्वेश्चन देखो जरा कौन देगा इसका आंसर बताओ

इंटीग्रल का मतलब है इंपॉर्टेंट तो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट था इसलिए हटाया नहीं जा सकता इनेट का मतलब होता है नेचुरल एग्जैक्टिंग का मतलब टू द पॉइंट चीज एग्जैक्ट चीज कोई सही सेंस नहीं बना इंटरवीन का मतलब बेसिकली इंटरफेयर करना किसी काम को होने से रोकने के लिए है ना आप चाहते हो कि उसका काम बिगड़ जाए तो आप वहां पर घुस गए इंटरवीन कर दिया आपने इंटरफेयर कर दिया आंसर इज इंटीग्रल इंटीग्रल मीन इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर वन ठीक राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बताइए देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम फॉर इन साइड अबाउट ऑफ गिव मी द राइट आंसर समथिंग वंडरफुल डैश हिम फॉर हिम उसके बारे में कुछ तो बहुत खास था कुछ तो था जो उसके बारे में बहुत खास था क्या हो जाएगा वंडरफुल अबाउट हिम ठीक है सो देर वॉज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम ऑप्शन नंबर थ्री ठीक चलो आगे देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस बताइए दिस डेज मोस्ट पीपल आर यूज ई मेल इंस्टेड ऑफ राइटिंग लेटर्स विल गिव द राइट आंसर यूज होना चाहिए देखें भाई आप देखिए यहां पे आप यूज भी लगा सकते हो आर के साथ या तो आप लगाओ यूज हटा के यूजिंग पहला तरीका है स्टेटमेंट को सही बनाने का ठीक कि आप यूज हटा के यूजिंग कर दो तो आर यूजिंग सेकेंड मेथड है कि आप सिर्फ आर हटा दो अब भी सही है ठीक है आर हटा दो तो भी सही है यूज हटा के यूजिंग कर दो तो भी सही है बट एज इट इज गलत है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री ठीक एग्जैक्टली चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप जल्दी से इसका आंसर देना और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है If you enjoyed the session, kuchbi naya seek hai, to don't forget to click on the like button. Chalo. We are on the top of the world, isn't we? Isn't we? We are on the top of the world. First of all, the statement is positive. Statement positive hai. So we need a negative question tag because negative statement, positive question tag, positive statement, negative question tag, that's the rule. So we are on the top of the world. आर वी आर नॉट वी आर नॉट वी ठीक एग्जैक्टली आर नॉट वी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा और मुझे बताइए यहां पे आंसर क्या होगा सब लोग डायरेक्शन देख लेना क्या आपसे पूछ रहा है ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी परसीव सूडो साइंस आपसे पूछ रहा है वर्ड मतलब किसकी स्पेलिंग यहां पर गलत है डेमोक्रेसी इज आप्यूटली राइट डेमोक्रेसी की स्पेलिंग क्या होती है डेमो सी आर ए सी वाई दिस इज द स्पेलिंग ऑफ डेमोक्रेसी ठीक है यह है डेमोक्रेसी की स्पेलिंग कोई डाउट किसी को चलिए अगला सवाल आपके सामने अमेंडमेंट ऑल्टरेशन रिग्रेशन रीशफल या फिर मेटामोफिस कौन देगा आंसर जल्दी से बताइए देखूं भाई कौन देता है इसका आंसर क्वेश्चन कह रहा है अमेंडमेंट का आंटनिम अमेंडमेंट का मतलब तो आपने सुना ही होगा ये वर्ड बहुत बार आप जी जीएस जी, जी पे भी तो पढ़ते हो अमेंडमेंट बिल्स के एक्ट्स के अमेंडमेंट्स होते हैं तो अमेंडमेंट का मतलब होता क्या है बदलाव है ना यही तो मतलब है बदलाव किसी चीज को सुधारने के लिए चेंज करने के लिए अमेंडमेंट किए जाते हैं और आपको इसका उल्टा बताना है ऑल्टरेशन हो गया रीशफल और मेटामोसिस वन टू थ्री तीनों इसके सिनोनिम्स हैं रिग्रेशन का मतलब होता है रिटर्न रिटर्न टू अ लेस डेवलप्ड स्टेट रिटर्न टू अ लेस डेवलप्ड स्टेट एंड दैट इज वाई दिस इज द राइट ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर ठीक है कोई दिक्कत इसमें कोई डाउट ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए और फिर इसका आंसर बताइए क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं आंसर बताइए जरा तो बहुत सिंपल हो गया इमपेनिटेंट का पेनिटेंट हो जाएगा इमपेनिटेंट होता है बेसिकली बेशर्म इसका मतलब होता है जिस इंसान को शर्म आए ठीक और ये होता है बेशर्म और ऊपर वाले तीनों वर्ड्स बेशर्म से ही रिलेटेड हैं, ये तीनों तो ऊपर वाले तीनों सोनोनिम्स आंसर हो जाएगा नीचे वाला दैट इज ठीक क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको देने जा रही हूं वो आपके आज का असाइनमेंट है एंड गाइस अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स लाइव चैट बॉक्स नहीं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सेशन आपको लगा कैसा ठीक है और इस असाइनमेंट क्वेश्चन का जब आप आंसर करोगे तो मुझे इन सभी वर्ड्स की मीनिंग्स भी बताओगे आंसर लिखोगे और उसके बाद इन सारे वर्ड्स की मुझे मीनिंग बताओगे आप ये है आपका असाइनमेंट क्वेश्चन ठीक है और असाइनमेंट जब आप आंसर करोगे तभी मैं समझूंगी कि आप लोग सच में सीरियसली इस सेशन को पढ़ रहे हो इस सेशन को देख रहे हो ठीक है बाकी रिविजन के लिए पीडीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इसलिए पीडीएफ ले लेना अनन्या मैम अंडर टेस्ट बुक यहाँ पे मिल जाएगी ठीक है और मॉक टेस्ट में अगर एक्यूरेसी नहीं बढ़ती है तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके जो टॉपिक आपके कट रहे हैं ना जिन टॉपिक में ज्यादातर नंबर कट रहे हैं उन टॉपिक को अलग से टाइम देना शुरू करो दिन में एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा जितनी रिक्वायरमेंट हो ठीक है चलिए दूसरी काम की चीज साथ ही साथ मॉक टेस्ट जरूर देते चलो यार मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आप तैयारी कितनी भी कर रहे हो बहुत से लोग इस चक्कर में बैठे होते हैं कि सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मॉक टेस्ट देंगे सिलेबस खत्म हो जाने के बाद मॉक टेस्ट दोगे तो खुद को सुधार नहीं पाओगे आपको सिर्फ पता चल पाएगा कि पैटर्न क्या है आपकी राख क्या आ रही है खुद को सुधारना है अगर खुद को सुधारना है तो मॉक टेस्ट हर दिन या हफ्ते मतलब हर ऑल्टरनेट डे देना ही देना है ठीक है टेस्ट बुक पास फोर हंड्रेड रुपीज में मिल जाएगा इसके अंदर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आपको सिलेक्शन इस साल या नेक्स्ट ईयर लेना ही है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो टेस्ट बुक पास के लिए आपको टेस्ट बुक पास सिर्फ और सिर्फ फोर हंड्रेड का मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करोगे कोड मैं यहां पे लिख दे रही हूं जो भी जिसे भी लेना है वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कोड यूज करना भी मैं आपको बता दूंगी ए एन एस पास डायरेक्ट इन डायरेक्ट सॉल्व करिए तन में बैठ के कोई किताब उठा लो या मेरा कोई सेशन देख लो ये कोड है यूज किस तरीके से करना है ये मैं आपको बताती हूं. मेरी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना मेरी जो जो वीडियो चल रही है इसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप खोल लीजिएगा ठीक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पता है पहला लिंक मिल जाएगा आपको पहला लिंक क्लिक करना है सो so, मेरी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक जब क्लिक करोगे तो टेक्स्ट बुक पास के पेज पे पहुंच जाओगे ठीक है यहां पे आपको दिखेगा ध्यान से देखना सारी चीजें कि क्या क्या चीजें आपको मिल रही हैं ठीक देखेगा ध्यान से पेज वैसे खुल जाए थोड़ा टाइम ले रहा है अच्छा वेदर की वजह से ले रहा होगा ठीक यहाँ पे पहले पढ़ लेना कि आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं, राइट उसके बाद इधर एक महीना एक साल तीन साल जितना भी साल का आपको सबसे होता है तो इन दोनों में फोर नाइन नाइन एक साल के लिए सिक्स नाइन नाइन तीन साल के लिए नीचे दिख रहा है अप्लाई कूपन क्लिक करिए और यहाँ पे कोड डाल दीजिए ए एन एस पास ए एन एस पी ए डबल एस ए एन एस पास आप जैसे ही अप्लाई करोगे फोर हंड्रेड का पूरे साल का फाइव नाइन नाइन का तीन साल का और सारे एग्जाम्स की तैयारी हो रही है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है है ठीक तो दोनों में से जो सूटेबल लगे क्लिक ऑन दैट नीचे आइए बाय पे क्लिक कर लीजिए फोन नंबर डाल लॉग इन करना पेमेंट मेथड जो आपके लिए सूटेबल हो एंड यू आर गुड टू गो ठीक है सो दैट्स इट गाइस मिलते हैं आपसे रात के दस बजे वाले सेशन में अंटिल देन टेक केयर बाय बाय हैव अ ग्रेट डे थैंक यू बाय बाय